ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਖਾ ਟੁੱਟਵਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਬ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मैं हूँ आपकी प्यारी मुस्कान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत रखे और ढेरों सारी खुशियाँ दे, आमीन। और जैसे आप अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, ऐसे ही मेरे लिए दुआ और ज़्यादा करें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में थोड़ा क्यों है, मैं किसी को मारने नहीं लगी, ये मेरे जो मैंने लगाई हुई अपने किचन में लकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, पता नहीं बच्चों ने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ जो टूटी हुई हैं, मतलब टूटी का कील वगैरह निकल गया, आप देख सकते हैं ये अलग अलग लकड़ियाँ हो रही हैं। तो इसी के साथ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा इन दोनों में फासला आ गया। तो अब ना कील वगैरह ना ठोक देते हैं थोड़ी के साथ, और ये तो पहले टूट गई थी, मैंने आपको बताया था, तो इसका भी आप कोई हाल निकालते हैं क्योंकि ये तो जल्दी टूट जाएंगी, क्योंकि बच्चे आके इनके साथ ना झूले लेते हैं, जैसे मैंने पिंक बनाई उनके लिए, और बच्चे तो ये समझते हैं कि ये झूला मैंने उनके लिए बनाया, यहाँ से पकड़ ले तो और इस तरह झूले लेने शुरू कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि एक दो बार मैंने बच्चों को देखा इस तरह करते हुए, तो लेकिन नहीं, उनके माँ बाप को मना करना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो चले ये अब कील जो है ना इन्हें मजबूत करते हैं लकड़ी को, तो इसी के साथ हम और देखते हैं कौन कौन से है, ये भी वो कील जो बंद करते हैं, और कुछ मुझे ऐसे लगता है जैसे जो कील जो है ना वो लूज हो चुकी है, जिसकी वजह से ना लकड़ियां अलग अलग हो रही हैं, और कुछ बच्चों की भी गलती है, लेकिन अभी एहतियात करना पड़ेगा हमें। चलो करते हैं साथ साथ एहतियात भी करते हैं। इधर से तो कोई भी नहीं है, सारे हम कर चुके हैं, अब दूसरी तरफ देखते हैं कौन सी रह गई है, वह भी करते हैं। ये थोड़ी सी है, इसके साथ साथ देखते जाते कौन सी है, कौन सा कील बाहर निकला हुआ है। फिलहाल तो सारा ठीक है, अब इधर देखते हैं। ये वाला हमारी थोड़ी वो भी बाहर निकलने लगी है। तो देखिए जी, मैंने आप लोगों से भी पूछा था काफ़ी बार, मुझे कुछ आइडिया दे कि मैं व्लॉग क्या बनाऊं, कुछ वीडियो क्या बनाऊं, कुछ भी मुझे बता दे, मुझे कि मैं अपने किचन में क्या बनाऊं, क्या करूं काम, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम भी कुछ चेंज हो चुका है, तो इंशाल्लाह साथ साथ काम भी शुरू करते हैं, तो मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं काम क्या करूं और क्या इसके अंदर अपने किचन में और क्या बनाऊं, और मुझे वो बताएं कि जो मैं कर सकती हूं काम, क्योंकि काफ़ी लोगों की काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें हैं, वो अपनी नहीं पूरी कर सकती, तो प्लीज़ जो मेरे किचन के मुताबिक है मुझे उसके बारे में बताएँ, ताकि मैं अपने किचन में किचन को और खूबसूरत बना सकूँ। तो अभी भी साथ साथ काम करते हैं, हमने तो आज जो लकड़ियों के देखने के लिए आए थे यहाँ पे किचन में कि कोई ख़राब तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बारिश हुई थी उसकी वजह से, लेकिन कील वगैरह निकले थे वो हमने मजबूती से कर दिया इतने ठीक, तो अब देखते हैं काम सुबह जो भी होगा, काम सुबह मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या काम करने लगी हूँ। तो इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दे, दुआ में याद रखेगा, और ढेरों सारी खुशियों के साथ, तो प्लीज़ अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो इसी के साथ अपनी बहन को ज़्यादा दें, अल्लाह हाफिज़।
नजदीक जाना है इन्ना डर लगता पे गया। और एक दफा मैं तो नहीं प्यार करना चाहिए थोड़ा जी थोड़ा जी प्यार कर लेंगे सिर्फ थोड़ा जी तेरे चारा नहीं खोली बोलो माँ मेरा सेम सेम कपड़े पाए हुए ने सेम सेम कपड़े पाए हेलो अरे टिकटॉक बनावा अंदर आप दो टिकटॉक बनाइए एक दफा आ जा कॉल ना भी उन्हें टोटो मारने मेरा कुछ नहीं बचने का कपड़े साढ़े बस सेम सेम ही ना ब्लैक दिन आज होने यार सर तो सोखा टोटो भाई थोड़ा जा थोड़ा जा छोटे के वाके ना मार दे।